जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जी हाँ, फिरंगी शेयर्स नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको हमने सीधा बॉलीवुड से जोड़ा है। जी हाँ, शेयर मार्केट को बॉलीवुड से जोड़ा है। कुछ स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई किए हैं हमने, नहीं बाजार के दो बड़े जानकारों ने। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि आज फिरंगी मूवी जो है वो सिल्वर स्क्रीन पे रिलीज हो रही है, और ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये कपिल शर्मा की मूवी है। जी हाँ, कपिल शर्मा इसमें लीड रोल में नजर आएंगे आपको। देखिए, टीवी पे तो कमाल किया ही, कई शोज हिट हुए कपिल शर्मा के। कॉमेडी जो है वो बेहतरीन करते हैं कपिल शर्मा, लेकिन अब क्या वो सिल्वर स्क्रीन पे भी अपना जादू दिखा पाएंगे? बहुत एक्सपेक्टेशन है फिरंगी मूवी से, और इनफैक्ट ये जो है ये हो सकता है कि जो मच अवेटेड मूवी है उसमें कपिल शर्मा का जादू चलता हुआ नजर आए। इसको हमने शेयर मार्केट से कैसे रिलेट किया? शेयर मार्केट में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉक्स हैं उनमें कमाई का मौका है। फंडामेंटल्स बेहद बेहतरीन है। अगर आप कुछ ऐसे ही शेयर्स में पैसा डालें, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू रख लें बाजार में, तो हो सकता है कि वो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई कराएं। तो कुछ ऐसे ही MNC यानी कि मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर्स पे कहां पर मौका है पैसा डालने का, उस पे बात करेंगे। मेरे साथ बाजार के दो बड़े जानकार मौजूद हैं, विजय चोपड़ा साहब MD इनॉक वेंचर्स के, और साथ साथ विकास सेठी साहब मेरे साथ मौजूद हैं MD सेठी फिनमार्ट के। सबसे पहले विकास जी, आपका बहुत स्वागत है सर जी बिजनेस में। मुद्दा मैंने ऑलरेडी व्यूअर्स को बता चुका हूं, लेकिन आप क्या मानते हैं यहाँ पर कपिल शर्मा? सबसे पहले तो मेरे को ये तो 100% श्योर है कि आपने टीवी पे देखा है, अप्रिशिएट तो जरूर किया होगा कपिल शर्मा की कॉमेडी को, लेकिन अब यहाँ पर आपको क्या लगता है, सिल्वर स्क्रीन पे भी जादू दिखा पाएंगे? चलिए, लगता है कि उन तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जल्द संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि देखिए, मूवी लाइन या फिर स्टोरी जो भी हो, कपिल शर्मा की अपनी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, और उम्मीद यही है कि जो इस बार बॉलीवुड पे हो सकता है कि वो अपना जो जादू है वो दिखाएं। और ये जो फिल्म आज रिलीज हुई है, मच वेटेड फिल्म है, और इसका यहाँ पर जो है रिस्पॉन्स काफ़ी तगड़ा देखने को मिल सकता है। सबको पता है कॉमेडी के माहिर हैं, हंसाते हैं लोगों को, लेकिन एक बहुत सीरियस रोल में हो सकता है कि इस फिल्म में उनकी अपीयरेंस हो। मेरे साथ विकास सेठी साहब MD सेठी फिनमार्ट के समय मौजूद हैं, और हम कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों के स्टॉक हैं और जहां पर वैल्यूएशंस जो हैं वो बहुत आकर्षक हैं, और हो सकता है कि ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे फरमा के आप भी फैन हैं। आप वापस रिपीट कर सकते हैं क्वेश्चन? सर, कपिल शर्मा की फिरंगी मूवी रिलीज हुई है, क्या लगता है जादू चल जाएगा कपिल शर्मा का सिल्वर स्क्रीन पे? अरे बिल्कुल, उनकी तो जो मूवी, एक ही मूवी पहले आई थी जहां तक मुझे याद है, बहुत ही अच्छी एक कॉमेडी मूवी थी, उसको देखते हुए और जिस तरह के वो शोज करते हैं, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस रहा है, डेफिनेटली मुझे लगता है मूवी अच्छी होनी चाहिए, और ओवर द वीकेंड बिल्कुल प्रोग्राम रहेगा ये मूवी देखने का। चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जो भी व्यूअर्स हैं या फिर जो भी उनकी फैन फॉलोइंग है उनको कोई निराशा न लगे, और ये मूवी खरी उतरे उनके एक्सपेक्टेशंस पे। इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, ये मैं आपको बता दूँ, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है इस मूवी की। लेकिन विकास जी, मुद्दा ये है, अगर बाजार में कुछ फिरंगी शेयर्स आइडेंटिफाई करने हो, यानी कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियों के शेयर्स जो लिस्टेड हैं इंडियन मार्केट पे, उनमें अगर बेट लगानी हो, तो आपसे मैं 5 शेयर्स एक एक करके पूछूंगा। पहला शेयर आपको क्या लगता है, कौन से ऐसी फंडामेंटली अट्रैक्टिव कंपनी है जो मौजूदा स्तरों पर भी जहां पर पैसा डालेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है? सर, देखिए रजत, जो पहला स्टॉक दिमाग में आता है वो आता है मारुति का, और वैसे भी आज ऑटो स्टॉक्स फोकस में है। नवंबर महीने के जो सेल्स नंबर्स आए हैं, जबरदस्त नंबर्स मारुति ने भी पेश किए हैं। हालांकि अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो तो ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा नजर आ रही है, तो उसमें थोड़ा बहुत जो फायदा है इनको, पिछले साल जो नवंबर में डीमोनिटाइजेशन अनाउंस हुआ था, उसका बेनिफिट मिला होगा। बट बहुत ही अच्छी कंपनी है, जो लंबी अवधि के निवेशक है उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। इनके जो दो मॉडल है खास करके बलेनो और ब्रेजा, वो आज भी 3-4 महीने की वेटिंग पीरियड है। फिर कंपनी ने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में फोरे करने के लिए भी बहुत एग्रेसिव प्लान्स बनाए हैं, टोयोटा के साथ भी करार किया है। तो ऑल इन ऑल एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और मुझे लगता है इन लेवल्स पे भी बिल्कुल बने रहना चाहिए, कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। मेरा एक साल का इस स्टॉक पे लक्ष्य रहेगा 10,000 रुपए का।
ब्रोकिंग हाउसेस के रडार पर भी है और हम हर बार एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी डिप में अगर ये स्टॉक मिले तो उसको रिकमेंड करें इस चैनल पे, लेकिन ये एक तरफा चाल जो है मारुति सुजुकी में देखने को मिल रही है। अब 10,000 तक के टारगेट्स जो है मारुति सुजुकी में देखने को मिल सकते हैं, इसको रडार पर रखें। स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड है, फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है और स्ट्रॉन्ग मूवर है ऑटो प्ले में, मारुति सुजुकी बैट लगाई जा सकती है। 10,000 का टारगेट पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव है। मेरे साथ विजय चोपड़ा जी भी जुड़े हैं, नॉक वेंचर्स के एमडी हैं। विजय जी नमस्कार, स्वागत है। पहला स्टॉक कौन सा है? देखिए, मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जहां पर हम नज़र रख सकते हैं। उनमें से मुझे लगता है कोलगेट पामोलिव ऐसा शेयर है जो कि FMCG क्षेत्र का एक दिग्गज है, और मैं कहूंगा कि ये देश ऐसा देश है जहां पर टूथपेस्ट को कोलगेट कहा जाता है, तो एक बड़ा अच्छा ब्रांड रिकॉल भी है। इस स्टॉक में गिरावट भी देखी गई, कंसोलिडेशन भी देखा गया, तो मैं ये समझता हूँ कि यदि कोई मध्यम से लंबी अवधि तक इसको रखना चाहे, लेना चाहे, थोड़ी जब जैसे ही मार्केट में थोड़ी गिरावट होती है, तो इसका 1250 का लक्ष्य मैं देना चाहूँगा कोलगेट का। तो एक अच्छी कंपनी है जिसको आप लेकर रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, और सबसे अच्छी बात फिरंगी कंपनियों में ये होती है कि मोस्ट ऑफ देम आर डेट फ्री, तो कहीं पे भी कोई कर्जे की दिक्कत नहीं है, डेट रिपेमेंट की दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ी डिसरप्शन जरूर हुई है FMCG कंपनीज में, खासकर कोलगेट में पोस्ट पतंजलि, बट आई थिंक कि इन्होंने भी अपनी रीब्रांडिंग एक्सरसाइज शुरू करी, वेद शक्ति जैसे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और अब ये इंडियन साइकी और इंडियन मार्केट को समझते हुए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लाइन्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस स्टॉक में यदि कोई निवेश करता है किसी भी गिरावट में, तो 1250 के लक्ष्य के लिए इसको खरीदा जा सकता है। चोड़ा साहब, आप पंजाबी है ना जी? हाँ, तो ये कपिल शर्मा जो हैं वो भी पंजाबी हैं, और ये जो मूवी है ना, ये भी इंडिपेंडेंस का जो पीरियड है ना, उसी दौरान की कुछ स्टोरी बना के उन्होंने इस मूवी में कुछ नया लाने की कोशिश की है। कपिल शर्मा के आप कितने बड़े फैन हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं ट्रैक नहीं करता कपिल जी को, मगर हाँ, बहुत कम समय में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है एक अच्छे स्टॉक की तरह, तो मुझे लगता है कि वो इस इंडस्ट्री में टिके रहेंगे, चाहे वो टेलीविजन हो चाहे वो बॉलीवुड हो। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर इज वेंचर, और मैं आशा करता हूँ कि ये फिल्म अच्छा करेगी। सर, बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और सबकी एक्सपेक्टेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मूवी से, और थीम हमने उठाई है फिरंगी शेयर्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं लगातार। विकास जी, अब आपके रडार पर आपने पहला बताया मारुति सुजुकी, एक और अट्रैक्टिव बेट बताएं सर, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपको अच्छा लगता है? झूठ हो रहे थे सिवाय एक शख्स के, क्योंकि उसको लगता था कि अंग्रेज बुरे थे। आप बिल्कुल रजत, जो दूसरा स्टॉक मैंने चूज किया है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो कि मैकडोवल के नाम से ट्रेड होता है। एक जबरदस्त कंपनी है, खास करके जब से विजय मल्या जी का इस कंपनी से बाहर हो गए हैं और डियाजो ने इसको पूरा संभाल लिया है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छे ब्रांड्स है, और जिस तरह का भारत में जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो काफ़ी कम है, फिर लिकर का जो बैन वगैरह वो हट गया है, और अब जो नतीजे आए थे अभी सितंबर क्वार्टर के बहुत ही शानदार थे, और मुझे इस कंपनी से बहुत ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। मुझे लगता है बहुत अच्छी दर से ये आगे भी ग्रो करती रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है, और काफ़ी जो बाजार के मार्की इन्वेस्टर्स हैं उनका भी इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट बना हुआ है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे इस स्टॉक को भी खरीदना चाहिए। मेरा एक साल का टारगेट 4,000 रुपये रहेगा, बाकी मुझे लगता है अगर 3-5 साल के लिए स्टॉक में निवेश किया जाए तो यहाँ से भी मल्टीबैगर रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है, और चलना शुरू भी हुआ है। इनफैक्ट जो लिकर स्टॉक्स है ना, यहाँ पर अच्छी तेजी बन रही है, जिसमें यूनाइटेड स्पिरिट्स आउट परफॉर्म कर रहा है। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 4,000 का, पोजिशनली अपने पोर्टफोलियो में रखें, अच्छी बेट साबित होगी, पैसा बनेगा स्टॉक में, ऐसा विकास सेट्टी साहब का मानना है। विजय जी बताएं अगला फिरंगी शेयर कौन सा है? इसके बाद जो मैं रिकमेंडेशन करना चाहूँगा वो है बॉश। पूरे के पूरे ऑटो क्षेत्र में, ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में बॉश का बहुत अच्छा नाम है। केवल ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में नहीं, काफ़ी दूसरे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं इंजीनियरिंग के, जो कि जो दिग्गज कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। वैसे भी ऑटो एंसिलरी प्ले जो है वो बाजार पे बहुत पॉजिटिव हो रहा है, जो ऑटो नंबर्स आ रहे हैं उनका तो सीधा इम्पैक्ट स्टॉक पे पड़ ही रहा है, लेकिन आप ये मानिए पिछले एक महीने में काफी स्ट्रॉन्ग बेट साबित हुआ, लगातार टूटता स्टॉक, लोअर लेवल से खरीदारी आई,
जर्मनी की बॉश जीएमबीएच की जो है उसमें कंपनी में लगभग 69% के आसपास की हिस्सेदारी है। विजय चोपड़ा साहब के रडार पर हैं और जो टारगेट्स उन्होंने हमारी रिसर्च टीम के पास भेजे हैं वो है 22,500 के। विजय जी सुन पा रहे हैं मुझको, आप बताएं फंडामेंटल्स 22,500 तक की बेट। चलिए लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विकास जी मैं आपके पास ही आऊंगा, नेक्स्ट स्टॉक बताएं, तीसरा स्टॉक जहां पर आप मानते हैं कि तेजी बन सकती है सर, पोर्टफोलियो में होगा तो अच्छी कमाई कराएगा। बिल्कुल, जो तीसरा स्टॉक रहेगा वो भी एक बहुत ही शानदार मल्टीनेशनल कंपनी है, कंपनी का नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल। जैसे अभी थोड़ी देर पहले विजय जी ने चर्चा करी कोलगेट की, उसी तरह की कंपनी है, पर्सनल केयर हाइजीन केयर के गुड्स बनाती है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत अच्छी डिमांड है। फिर हाल ही में जो नतीजे हैं वो भी बहुत ही शानदार थे और जिस तरीके से डर लग रहा था कि जीएसटी के कारण थोड़ी डी स्टॉकिंग होगी तो उसका जो इम्पैक्ट है वो सब अब निकल चुका है, अब वापस से ये री स्टॉकिंग होने वाली है। और दूसरा जीएसटी की दरों में भी जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में अभी हाल ही में जो कटौती की गई है उसका भी एक मेजर बेनिफिशियरी ये कंपनी होगी। मेरी राय में इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए, मेरा एक साल का इस स्टॉक पे लक्ष्य रहेगा 10,250 रुपए। चलिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल इसको आप एक साल के लिए फॉलो करिए, स्टॉक में अच्छी तेजी बनेगी, 10,250 तक की चाल जो है वो पीएनजी हेल्थ केयर पे देखने को मिल सकती है। देखिए आपको लगेगा कि वैल्यू वाइज स्टॉक्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन ये अगर आप इंडस्ट्री की तुलना में देखें ना, मार्केट कैप की तुलना में, तो वो एमएनसीज के स्टॉक अक्सर इन वैल्यू पे ट्रेड करते हैं, थोड़ी वैल्यू ज्यादा होती है और फ्लोट कम होता है इन कंपनियों का, तो यहाँ पर इस वजह से जो प्राइस है ये आपको ज्यादा दिख रहा होगा। लेकिन प्रॉक्टर एंड गैम्बल अच्छे रिटर्न्स देगा, 10,250 तक की चाल एक साल के अंदर अंदर स्टॉक पे देखने को मिल सकते हैं। विकास जी अपना अगला शेयर भी बता दीजिए, एक और फिरंगी स्टॉक आपकी ओर से। देखिए रजत, जो चौथा स्टॉक रहेगा वो रहेगा वापिस एक दिग्गज नाम है जिलेट। ये कंपनी भी बहुत ही शानदार कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स मेरी राय में हर दूसरा आदमी दुनिया में यूज करता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, वॉरेन बफे भी इस पर बहुत बुलिश रहे हैं और इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है अपने सेगमेंट में बिल्कुल मार्केट लीडर है। कंपनी ने एक साल दर साल एक अनइंटरप्टेड ग्रोथ दर्ज करी है मुझे लगता है, और इसके अगर आप होल्डिंग्स भी देखें तो प्रोमोटर्स करीबन 75% के करीब होल्ड करते हैं और बाकी भी जो स्टॉक है वो भी जो अच्छे फंड्स है, FIIs, DIIs उनके पास है। स्टॉक में मुझे इन लेवल से भी बहुत ही अच्छी एक तेजी नजर आती है, मेरा इस स्टॉक में एक साल का लक्ष्य रहेगा 7,500 रुपए का और मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल एक कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए एंड इट्स लाइक एन एवरग्रीन स्टॉक विच शुड बी बॉट एंड जस्ट फॉरगेट करना चाहिए। चलिए तो ये जो स्टॉक है जिलेट ये आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करेगा, इनफैक्ट खरीद लीजिए और भूल जाइए इस स्टॉक को, ये लगातार वन वे ट्रैक पे ये स्टॉक पिछले एक साल में चला है। अब नेक्स्ट टारगेट है वो है 7,500, फॉलो कीजिए जिलेट को, एक अच्छी कमाई। आपने नोट किए होंगे जो ज्यादातर स्टॉक्स है ना ये FMCG के विकास जी सजेस्ट कर रहे हैं, मूव पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म अभी भी फंडामेंटल स्टोरी इंटैक्ट है, जिलेट जैसे स्टॉक्स पे अच्छा पैसा बन सकता है। नोट डाउन कर लिया आपने कुछ स्टॉक्स, एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद कुछ और फिरंगी शेयर्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ फिरंगी, मूवी जो है वो आज रिलीज हो गई है और आपने नोट किया होगा यहाँ पर जो हम प्रोमो चला रहे थे उसमें कपिल शर्मा की मूवी है, लीड रोल में कपिल शर्मा है। लेकिन ये बता दूं आपको, देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि एक पीरियोडिक ड्रामा है ये, लेकिन फिल्म की कहानी जो है वो इस तरीके से ही डिजाइन हुई है और ये हंसा हंसा के लोट पोट कर देंगे आपको कपिल शर्मा। फिल्म की कहानी आपको अंग्रेजी शासन काल में ले जाएगी जब भारत पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था और वो भारतीयों को अपना गुलाम बना रहे थे। उस दौर में जहां एक तरफ लोगों के मन में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विरोध विद्रोह की भावना पनप रही थी, वही एक शख्स था जिसके लिए अंग्रेज बुरे लोग नहीं थे, यही कपिल शर्मा की मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो किसी लायक वो थे नहीं इस मूवी में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन उनकी लात में जादू था, वो जिसे भी लात मारते थे उसकी कमर का दर्द ठीक हो जाता था और यही मूवी की एक स्टोरी लाइन है। इसी में ही कुछ लव स्टोरी भी है, कुछ एंगल भी है और कॉमेडी बेमिसाल होगी यहाँ पर कपिल शर्मा की, इसमें तो नो डाउट। लेकिन हम कुछ शेयर्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसे शेयर्स जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं और जहां पर तेजी बन सकती है, आपके पोर्टफोलियो में होंगे तो वो तगड़ी कमाई कराएंगे। विजय जी ब्रेक से पहले आपने कोलगेट और बॉश पे बात की, आपके अगले शेयर कौन से हैं आपके पोर्टफोलियो में? एक और स्टॉक में बोलना चाहूँगा फाइजर, ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री से है और दिग्गज कंपनी है और काफ़ी मार्की प्रोडक्ट लाइन है इसकी। जो इंडियन कंपनीज हैं उनको जनरली USFDA से काफ़ी समस्याएं झेलनी पड़ी और इस कारण से पूरे के पूरे फार्मा पैक में कहीं ना कहीं एक मायूसी
रही पिछले 2 सालों में, मगर मुझे लगता है फार्मा में कहीं ना कहीं एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और बॉटम आउट हो रहा है। तो इवन अगर हम फिरंगी कंपनियों को देखें, मल्टीनेशनल कंपनीज को देखें, तो फाइजर एक ऐसी कंपनी है जो कि एक ग्लोबल ब्रांड है और इंडिया में ये बहुत अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं इस कंपनी के। अभी करीब 1925-30 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यदि कोई मध्यम अवधि के लिए इसको खरीदना चाहे तो मैं इसका जो टारगेट दूंगा वो 2200 का है और इसमें निवेश किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा समय आ रहा है कि जहां पर ऐसे सेक्टर्स जो कि लैगार्ड्स रहे हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, वहां पर एक पार्टिसिपेशन आनी चाहिए। उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, खास करके जो हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स की हैं, उनको उनमें एक तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए, फाइजर जो आपने बोला इसको पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो 2200 तक की चाल जो स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। अच्छी एमएनसी का स्टॉक है, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, अच्छी कमाई हो सकती है। विकास जी, आपसे मैं 4 स्टॉक्स ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, एक स्टॉक अपनी और से आखिरी स्टॉक बता दीजिए जहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और पैसा बनेगा लॉन्ग टर्म में। विकास जी, सुन पा रहे मुझको आप? लगता है विकास जी से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। चलिए, बैक टू बैक अपने 2 शेयर्स बताइए विजय जी, जहां पर आपको लगता है कि तेजी बनेगी। सर, स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं, अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स, एमएनसीज के स्टॉक्स। जी, ये भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जैसे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं बॉटमिंग आउट फॉर्मेशन हो रही है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिले, बट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही लगाड़ रहा है जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो उसमें जो आपने 2 स्टॉक पूछे, पहला स्टॉक होगा नोवार्टिस, जो कि एक अच्छी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अपार्ट फ्रॉम फार्मास्यूटिकल्स, कुछ उनके ऐसे प्रोडक्ट्स भी आते हैं जो ओवर द काउंटर बिकते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की तरह, काफ़ी इनके मिल्क सप्लीमेंट्स और दूसरे सप्लीमेंट्स आते हैं। तो ये स्टॉक करीब करीब 640 के लगभग अभी ट्रेड कर रहा है, और यदि कोई मध्यम अवधि के लिए इसको लेना चाहे तो मुझे लगता है 750 का एक टारगेट इसमें आसानी से अचीव हो सकता है, और इसके बाद यदि कोई लंबी अवधि के लिए रखना चाहता है तो मुझे लगता है 900 भी काफ़ी संभव है नोवार्टिस में। और इसके बाद एक और दिग्गज कंपनी है ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जो कि आई थिंक बहुत सालों से भारत में काम करती है, एक दिग्गज कंपनी। मैंने पहले भी बोला, दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि जो भारतीय कंपनियों के साथ समस्याएं रही, जब वो बढ़ना चाहती थी तो उन्होंने डेट लिया और डेट की सर्विसिंग में कहीं ना कहीं दिक्कतें आई। तो अच्छी बात ये है फॉरेन कंपनीज में कोई डेट नहीं है, मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर जीरो डेट कंपनीज। तो करीब 2450 पे ग्लैक्सो अभी ट्रेड कर रहा है, इसको 2800 के लक्ष्य के लिए खरीदा जा सकता है, और मुझे लगता है ये टारगेट भी मध्यम अवधि में अचीव हो सकता है, और कोई लंबी अवधि के लिए रखना चाहे तो संभवतः ये आपको 3500 तक भी जाता दिखेगा, बट फिलहाल मुझे लगता है 2800 एक बड़ा अचीवेबल और इजी टारगेट है। चलिए, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इसको हमने नोट कर लिया, यहाँ पर 2800 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा स्टॉक है वो है नोवार्टिस, जिसमें तेजी बनेगी और 750 से 900 तक के टारगेट्स इस स्टॉक पे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो हासिल कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक कौन सा होगा विकास जी आपकी ओर से? ही दुनिया का राजकुमार था वो, और एक दिन उसे अपनी राजकुमारी भी मिल गई। विकास, सुन पा रहे मुझको आप? चलिए, लगता है कि उनसे संपर्क नहीं स्थापित हो पा रहा, लेकिन जो उन्होंने चुना है हमारे रिसर्च टीम के पास जो स्टॉक भेजा है वो है नेस्ले। इस स्टॉक को आप भूल नहीं सकते, एफएमसीजी स्टॉक्स में वैसे ही देखिए अच्छी खरीदारी है। इस स्टॉक में दिक्कतें थी, मैगी में जिस तरीके की एक विवाद बना, इशू बना, उसके बाद एकदम से गिरावट देखने को मिली, लेकिन आप ये देखिए कितना स्ट्रांगली रिकवर करता हुआ नजर आया है। लोअर लेवल से बहुत स्मार्ट प्ले है और बीते 1 साल में देखेंगे तो उसने फिर से कमाल कर दिया, नए लेवल्स पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। अब इसमें जो अगले टारगेट्स हैं वो लगभग 9000 तक के देखने को मिल सकते हैं, विकास जी की राय है। 1 साल का अगर व्यू लेंगे तो अच्छी कमाई इस स्टॉक से भी देखने को मिलेगी। नेस्ले को आप फोकस में रखिए। चलिए, बैक टू बैक मैं कुछ स्टॉक्स आपको बता दूं, ये जो हमने 10 स्टॉक्स डिस्कस करे हैं इसमें एक तो है मारुति सुजुकी, जिसमें 10,000 तक का टारगेट है 1 साल का, साथ ही साथ यूएसएल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स विकास जी के रडार पर है, 4,000 तक के टारगेट यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। फिरंगी स्टॉक्स की लिस्ट में आप पीएनजी को भी पाएंगे, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी है, यहाँ पर टारगेट है 10,250। इसके अलावा जिलेट, ये मूव पॉजिटिव दे सकता है, 7,500 तक के
टारगेट्स जिलेट पे आप रख सकते हैं। नेस्ले स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं, 9000 की अगली चाल दिखाएगा स्टॉक, इसको आपने रिडार पर रखें, एक साल तक अगर पैसा डालते हैं तो पैसा यहाँ पर बढ़ेगा ही। विजय चोपड़ा जी के रिडार पर है बॉश, अच्छी खरीदारी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली, ये तेज हो सकती है, 22,500 का टारगेट। कोलगेट पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 1,250 के लिए। और बैक टू बैक मैं आपको तीनों पिक्स बताता हूँ, एक है फाइजर जिसमें टारगेट है 2,200, जीएसके पे 2,800 और नोवार्टिस 750 से 900 तक की चार्ज देखने को मिल सकती है। तो ये 10 एमएनसी कंपनियों के स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं। विजय जी बहुत शुक्रिया इस शो में हिस्सा लेने के लिए और स्टॉक हमको बताने के लिए, और विकास जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फिरंगी स्टॉक बताने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने से नोट पे इस खास शो से इतना ही।